हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, एक या दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की थी। और आज की इस क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, जो पार्ट अभी तक हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई है IIT JEE, IISc बेंगलोर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर TIFR में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस, उनको हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास केवल प्रॉब्लम डिस्कशन में ही रहेगी। और यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, वो TIFR 2015 का क्वेश्चन ले रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, ए बिल्डिंग हैज़ 3 ओवर हेड वाटर टैंक। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, इज फिटेड विथ ए सेंसर S1, S2 and S3 which goes to zero when the water level in the tank falls below a set value and remains one otherwise. A common pump is used to rise water from an underground storage tank to these overhead tanks. Of the following circuits, which one will turn on the pump only when at least 2 of the tanks have water level below
द सेट वैल्यू, पहला ऑप्शन यहाँ पे है S1, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, S2 यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, S3 यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और इन तीनों के यहाँ पे OR गेट और P इक्वल टू वन और ये S1 यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन तुम्हारे पास है S1 S2 S3 यहाँ पे एंड गेट, बबल्ड एंड गेट, सी ऑप्शन तुम्हारे पास है सी ऑप्शन अपने पास है एस एस वन एस टू एस थ्री, तीन सेंसर है एंड गेट, अगेन एस वन एस टू एस थ्री एंड गेट एंड रिजल्ट विल पासेस थ्रू और गेट एंड दिस इज पी एंड डी ऑप्शन अपने पास है यहाँ पे एस वन विल गोज टू बबल्ड एंड गेट, एस टू विल गोज टू बबल्ड एंड गेट, एस थ्री ऑल्सो हियर बबल्ड एंड गेट एंड द आउटपुट देन गोज टू एंड गेट एंड दैट इज ऑल्सो बबल्ड एंड गेट। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे तीन वाटर टैंक है और उन वाटर टैंक्स में सेंसर लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि अगर पानी का लेवल किसी पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाएगा तब तो वो क्या देगा, जीरो, और किसी लेवल से ऊपर आ जाएगा तो क्या देगा, वन। ठीक है, तो ये ऊपर लगा हुआ है। अब ग्राउंड लेवल से कोई एक पंप लगा हुआ है जो वाटर टैंक में पानी को फिल करता है और वो पंप ऑन तभी होगा जब ऊपर वाले जो टैंक है उनमें से दो टैंक में वाटर उस सेट वैल्यू से नीचे चला जाए, यानी कम हो जाए, दो टैंक में कम हो जाए, तब दो टैंक में वाटर कम हो जाएगा तो दो सेंसर क्या वैल्यू देंगे, जीरो। और जब दो इनपुट की वैल्यू जीरो हो जाए और फिर यहाँ पे पी की वैल्यू वन आनी चाहिए, वन आएगा इसका मतलब पंप ऑन होगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, कोई भी दो वैल्यू जीरो और एक वैल्यू वन लेके इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एनालिटिकली। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कह दिया कि S1 की वैल्यू मैंने वन ले ली और ये दोनों क्या है, जीरो जीरो, यानी दो जीरो होंगे तभी यहाँ पे वन आना चाहिए, ये कंडीशन है। चाहे ये दो जीरो ले लो, चाहे ये दो जीरो ले लो, चाहे ये वाला और ये वाला जीरो लेके इसको वन ले लो, इन कंडीशन के लिए हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही आंसर दे रहा है। देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक मिनट, हाँ यस, यहाँ पे नोर गेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए चेक करें, वन जीरो का डॉट कितना, जीरो, यहाँ जीरो आएगा, जीरो जीरो का डॉट जीरो, जीरो का डॉट जीरो, जीरो वन का डॉट जीरो,
और गेट के तीनों इनपुट जीरो है तो पी इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन के लिए तो पंप ऑन नहीं होगा, इसके लिए इस सर्किट ऐसा सर्किट बना हुआ है। तो दूसरा सर्किट अगर हम देखें, एस वन की वैल्यू हमने ले ली वन, एस टू जीरो ले लिया, एस थ्री जीरो ले लिया, तो यहाँ पे जीरो जाएगा, यहाँ पे जीरो जाएगा। अब देखो एंड गेट है तो यहाँ कितना आएगा, जीरो, ओके। फिर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ जीरो, फिर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है तो यहाँ जीरो, और तीनों इनपुट जीरो है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो तीनों इनपुट वन हो जाएंगे, और फिर एंड गेट का आउटपुट कितना, वन। इस कंडीशन में तुम्हारे पास वन आ रहा है। अगर हमने दो को, दो सेंसर की वैल्यू कितनी ले ली, जीरो, और एक सेंसर की वैल्यू ले ली वन। तब अब इसके लिए देखें, एस वन को मैंने वन ले लिया, इन दोनों को जीरो ले लिया, एस वन वन, इन दोनों को जीरो ले लिया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वन का आउटपुट जीरो, जीरो का वन वन, तो जीरो वन वन एंड गेट से जाएगा आउटपुट जीरो, ओके। और यहाँ से तुम्हारे पास वन है, यहाँ पे जीरो का आउटपुट वन, जीरो का वन, तो तीनों वन, वन का आउटपुट वन, और वन प्लस जीरो इज वन, और फिर नोट गेट के बाद जाने के बाद क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही तुम इसके लिए खुद से चेक कर सकते हो, इसका आउटपुट भी तुम्हारे पास कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम ये कंडीशन चेक कर लोगे, कोई भी दो इनपुट की वैल्यू जीरो रखो, एक इनपुट की वैल्यू वन रखो, और चेक करो कौन सा गेट का आउटपुट वन आता है, जिस गेट का आउटपुट वन आता है वही ऑप्शन सही होगा। अगर एस वन की वैल्यू वन कर दी, एस टू एस थ्री की वैल्यू जीरो करने के बाद पी आउटपुट वन, दो दो ऑप्शन में अगर ऐसा वन आ जाए तो क्या करोगे, फिर पहले इसको वन लिया था तो अब इसको वन लेके इन दो को जीरो करके चेक करोगे, ताकि कोई सा एक गलत आउटपुट आएगा, एक में जीरो आएगा, समझ में आ रही बात। तो अगर दो के सेम आ जाए तो तुम्हें ये कॉम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि गेट्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन बेसिक गेट्स का कहाँ पे है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं इस तरीके का, अब ये ऑटोमेटिक पंप ऑन और पंप ऑफ होने के लिए ऑटोमेटिक स्विचिंग है, तुम्हें बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वाटर लेवल नीचे आएगा किसी सर्टेन लेवल से, ये पी की वैल्यू वन होने का मतलब स्विच ऑन और पंप ऑन हो जाएगा, पानी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जब उसकी स्विचिंग, दूसरे वाले की स्विचिंग, बंद होने की स्विचिंग भी हम ऐसे सेट करते हैं कि इस लेवल तक अगर पानी आ गया, तीनों टैंकों में इतना इतना पानी भर गया तो मोटर को बंद करना है, तब क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से स्विचिंग कर देंगे कि जैसे ही सेंसर यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब वाटर लेवल इस पॉइंट से ऊपर चला गया तो सेंसर की वैल्यू वन, और जब तीनों सेंसर की वैल्यू वन हो गई तो आउटपुट को तुम्हें क्या करना है, जीरो करना है, पी की वैल्यू, ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है। और ऐसा सर्किट डिज़ाइन करोगे तो क्या देगा, पी की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो आ जाएगी, और जीरो आते ही स्विच ऑफ हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। तो ऑन ऑफ करने का झंझट नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक स्विचिंग हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल था, TIFR में पूछा हुआ था। अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, यस, इन ए डिजिटल सर्किट फॉर थ्री इनपुट सिग्नल्स, और ये क्वेश्चन आया हुआ है TIFR 2016। तो इन ए डिजिटल सर्किट फॉर थ्री इनपुट सिग्नल्स, और सिग्नल्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी,
द फाइनल आउटपुट y should be, यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे पास तीन इनपुट सिग्नल ए बी सी और इनकी वैल्यू दे रखी है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और कहा है द आउटपुट y should be लो एंड फॉर ऑल अदर केसेस द आउटपुट इज हाई. Which of the following digital circuit will give such output? तो ऑप्शंस तुम्हारे पास है, ए ऑप्शन है, ए यहाँ पे है, बी सी पे एंड लगा हुआ है और यहाँ से तुम्हारे पास और ये वाई आउटपुट. बी ऑप्शन तुम्हारे पास है, ए बी पे और लगा हुआ है, इसका आउटपुट सी के साथ एंड. सी ऑप्शन तुम्हारे पास है, ए बी पे लगा हुआ है और ये बी हो गया, ए बी पे लगा हुआ है एंड और फिर सी के साथ और डी ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी के साथ और ए के साथ एंड. तो यहाँ पे कौन सा सर्किट सही आउटपुट देगा इसको हमें देखना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो बेसिकली तुम्हें दिया हुआ है कि ये जो तीन इनपुट के कॉम्बिनेशन है इसके लिए तो आउटपुट क्या होना चाहिए, लो. ठीक है, फॉर द इनपुट्स कौन से इनपुट्स, ये द आउटपुट वाई शुड बी लो एंड फॉर ऑल अदर केसेस द आउटपुट शुड बी हाई. तो इन केसेस के लिए अगर ऐसी सिचुएशन है ए बी सी तो इसके कितने केस बनेंगे तुम्हारे पास, 8 बनेंगे, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. तो वाई आउटपुट की वैल्यू तुम्हें कही गई है कि शुरू के तीन केसेस जो है इन केसेस के लिए वाई आउटपुट क्या होना चाहिए, लो और ऑल अदर केसेस के लिए वाई आउटपुट क्या होना चाहिए, 1. तो ऐसी सिचुएशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे मैंने तुम्हें बताया था अगर ट्रूथ टेबल दी हुई है तो सीधा सीधा क्या कर दो, के मैप बना दो. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो 3 वेरिएबल के मैप और 3 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है कैसे बनाएंगे. तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है इसका, ए बी और सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0, राइट. लेट्स सी, 0 0 0 इज 0, सो 0 इज हियर, 0 0 1 इज 0, अगेन 0 1 1 इज 1 एंड देन सॉरी 0 1 0 1 0 इज 0 और 0 1 1 इज 1, राइट, एंड देन 1 0 0 इज 1 एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 1. सो वी कैन मेक द स्क्वेयर हियर
मेक दिस पेयर हियर, ऑल द एलिमेंट्स आर इन द ग्रुप्स एंड वी कैन राइट द आउटपुट डायरेक्टली इन एसओपी फॉर्म. वाई आउटपुट इज इक्वल टू फॉर दिस ग्रुप ए, द वैल्यू ऑफ ए इज वन, सो ए बी एंड सी आर चेंजिंग, दैट्स वाई वी रिमूव दैट. देन प्लस एंड फॉर दिस ग्रुप ए इज चेंजिंग, सो वी लीव दिस ए, बी इज वन, सी इज वन, देन बी डॉट सी, दिस विल बी योर आउटपुट. तो बी एंड सी, बी एंड सी और ए, तो बी एंड सी, यस बी एंड सी और ए, तो व्हाट इज द आउटपुट? ए प्लस बी डॉट सी, दिस इज द राइट आंसर. यू कैन सी बी और सी के बीच में क्या लगेगा? एंड, जो यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे जो एंड लगने के बाद जो आउटपुट आएगा वो ए के साथ क्या हो जाएगा? और. तो ये वाला आउटपुट तुम्हें बनाने के लिए बेसिक गेट सर्किट कौन सा होगा? ए ऑप्शन वाला. तो ये तुम्हारे पास TIFR में आया हुआ क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखे अपन, सेम क्वेश्चन को तुम लोग बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो. राइट द मीन टर्म्स फॉर द टर्म वेयर वन इज अपियरिंग, राइट द एसओपी फॉर्म एंड देन सॉल्व यूजिंग बुलियन अलजेब्रा. ओके, तो दिस इज द होमवर्क. इसको तुम बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना. कैसे करोगे? ये सारी की सारी मीन टर्म्स लिखोगे और उनका एसओपी फॉर्म लिख दोगे. वाई आउटपुट एसओपी फॉर्म में लिखने के बाद बुलियन अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करोगे तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन तुम्हारे पास कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें असाइनमेंट मिलने वाला है इतने पोर्शन का. नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, TIFR 2018 से. और प्रॉब्लम क्या है? द बूलियन टर्म, इन बूलियन टर्म इन बूलियन टर्म ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी एंड देन नेक्स्ट ए बी प्लस सी एंड देन डी ऑप्शन तुम्हारे पास है ए प्लस बी सी. तो ये तो जब हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था तो ये एग्जांपल हमने किया था. एक बार फिर से देख लेते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसको कैसे देखेंगे? ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए, तो इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, प्लस बी डॉट सी. राइट, यहाँ से ए डॉट ए इज ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यहाँ से ए कॉमन लेंगे वन प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यहाँ से आएगा ए प्लस ए बी, इसकी वैल्यू वन प्लस बी सी, ए कॉमन लेंगे वन प्लस बी प्लस बी सी, वन प्लस बी इज वन, तो ए प्लस बी सी. ये ऑप्शन तुम्हारे पास कौन सा है? डी. डी ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारे पास सही हो जाएगा. बुलियन अलजेब्रा का यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से. ठीक है, हमने किया था ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है, तुम्हें बहुत आसान लग रहे होंगे.
क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम लोग ढंग से समझ गए तो इसके क्वेश्चंस करने बहुत आसान होंगे, बहुत जल्दी भी होते हैं, टाइम भी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री बूलियन वेरिएबल। तो क्वेश्चन आया हुआ कहाँ पे है, IISE 2012। इफ ए बी एंड सी आर थ्री बूलियन वेरिएबल्स, द फंक्शन ए बी बार प्लस सी कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स। तो ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है टू नैंड एंड टू और गेट्स। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है टू नोर एंड टू एंड गेट्स। सी ऑप्शन है टू नैंड एंड टू नोर गेट्स। एंड डी ऑप्शन तुम्हारे पास है टू एंड एंड टू और गेट्स, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम बेसिक गेट का यूज करके बनाएं। तो ए बी और सी, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, बी बार, और ए और बी बार के बीच में एंड गेट, और यहाँ पे तुम्हारे पास और गेट, ये तुम्हारे पास सर्किट बन रहा है। ओके, तो अब देखें कि टू एंड गेट, अगर एंड गेट को मैं और गेट चाहिए, पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है टू नैंड एंड टू और गेट, तो दो और गेट चाहिए, एक और गेट तो यहाँ पे है, और एंड गेट को अगर मैं नैंड गेट में बदलता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, तो ये एक नैंड गेट बन जाएगा, एक नैंड गेट हम नॉट गेट से बना देंगे तो दो नैंड गेट तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नॉट गेट लगाया, जैसे ये लगा दिया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक नॉट गेट और लगाना पड़ेगा। अब देखो ये नैंड गेट बन गया, इसको नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया, तो टू नैंड गेट तो आ गए, लेकिन यहाँ पे एक और गेट है, इस नॉट गेट को तो और गेट से नहीं बना सकते, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ओके, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है दो नॉर गेट चाहिए, तो पहले मैं क्या करूं, एक एंड गेट, तो एंड गेट को ऐसा का ऐसा रखा, दो नॉर गेट चाहिए, तो यहां पे मैं और गेट को नॉर गेट में कन्वर्ट करने के लिए एक नोट लगा सकता हूं, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट और लगा सकता हूं, तो ये तो नॉर गेट बन जाएगा, इसको कंपनसेट करने के लिए एक नोर और लगा देंगे, दो नोर गेट तो बन गए, एक एंड, एक एंड ये है, इसको एंड गेट से बना नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बेसिक गेट यानी दो एंड गेट और दो और गेट, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तुम्हें दिख रहा है और गेट है,
एंड गेट है, एक एक तो है। अब ये नॉट गेट है, इसको ना तो नोर और से बना सकते हो ना ही तुम एंड से बना सकते हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो सही कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। अब इसको कैसे बना सकते हैं उसको भी देख लें। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नेंड गेट बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी नॉट लगाना पड़ेगा, तो दो नो। और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ, यहाँ पे भी नॉट लगा दूँ, तो ये नेंड बन जाएगा। और इसको नेंड में बनाने के लिए मुझे एक नोट यहाँ लगाना पड़ेगा, एक नोट इसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये एक नेंड गेट, दूसरा नेंड गेट ये, राइट, एक नेंड गेट, दूसरा नेंड गेट ये बनेगा। अब यहाँ पे दो नोट गेट है, इनको तुम नोर गेट से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये नोर गेट दो, तो और दो तुम्हारे पास नेंड गेट हो जाएंगे, तो टोटल चार गेट हो गए और सी ऑप्शन तुम्हारे पास सही हो गया। दो नेंड और दो नोर से हम इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आया इसी बेंगलोर में आया हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज, और क्वेश्चन आया हुआ कहाँ पे है, ये है जेम फिजिक्स 2006। द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज, दैट इज जे के फिजिक्स 2006। तो के यहाँ से यहाँ आएगा, जे के साथ नोट लगेगा और इस तरीके से, और यहाँ का आउटपुट जाएगा और गेट में। तो इससे जो जनरेट होने वाली ट्रूथ टेबल है, ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं तो ऑप्शन पे हम जाते नहीं हैं, हम सीधा सीधा इसका ट्रूथ टेबल ही लिखते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो जे बार, यहाँ से क्या आएगा के, यहाँ पे क्या जा रहा है जे, और यहाँ से जा रहा है के, ये जे डॉट के और जे बार डॉट के, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जे डॉट के प्लस जे बार डॉट के। यस, तो ये आउटपुट तुम्हारे पास आ रहा है। यहां से मैं अगर के को कॉमन ले लूँ क्या मिलेगा, जे प्लस जे बार, और जे प्लस जे बार की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो यहां से तुम्हारे पास आएगा के। तो इसका आउटपुट आएगा के। अब कैसे बनाएंगे, जे और के, और यहां पे आउटपुट क्या, क्यू, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो क्यू आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, जैसा के होगा वैसा ही आउटपुट होगा। ये तुम्हारे पास इसकी आउटपुट, सॉरी, ट्रूथ टेबल आएगी। ओके, तो आसानी से बना सकते हैं, जैसा के इनपुट होगा वैसा ही क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास जेम फिजिक्स 2007। और क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक गेट दिया हुआ है जिसको वन कहा है, दूसरा दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और फिर कहा है कि फिगर वन एंड टू रिप्रेजेंट्स रेस्पेक्टिवली पहला ऑप्शन है नोर, दूसरा ऑप्शन है नोरनेंड, सी ऑप्शन है नेंड, और डी ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है और नेंड। तो इस क्वेश्चन को तो तुम देखते ही कर सकते हो आसानी से। देखो ये क्या बबल डोर गेट इज इक्वल एंड टू नेंड गेट, पता है द मॉर्गन थ्योरम का पहला स्टेटमेंट, द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू सम ऑफ कंप्लीमेंट्स। तो ये क्या है, नेंड गेट है, ये भी नेंड गेट है, तो नेंड वाला ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से देख के कर सकते हो, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा करवाया हुआ है पढ़ाया हुआ है वैसा का वैसा क्वेश्चन निकल करके आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2008 में पूछा हुआ है जेम में, जेम फिजिक्स 2008, बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट और आउटपुट क्या है, वाई ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज, और सर्किट क्या दिया हुआ है वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, पी नोट गेट देन क्यू डायरेक्टली जा रहा है कहाँ पे, नोर गेट में, एंड देन इस क्यू का एक पार्ट जा रहा है नेंड गेट में, और यहाँ पे आउटपुट इनपुट है आर, और फिर इन दोनों से जो आउटपुट जा रहा है वो नोर गेट में, और फिर एस इनपुट यहाँ से है, इन दोनों के बीच में नोर लगा हुआ है, और इसके आगे तुम्हारे पास एक नोट गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे वाई आउटपुट है। ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें ए पी प्लस पी बार प्लस क्यू, पी बार प्लस क्यू का बार प्लस क्यू आर का बार, और इसके पूरे का बार प्लस एस, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है पी बार प्लस क्यू दोनों पे बार प्लस क्यू आर पे बार प्लस एस सब पे बार, सी ऑप्शन तुम्हें दे रखा है पी बार प्लस क्यू आर का बार प्लस एस,
डी ऑप्शन तुम्हारे पास है, पी बार प्लस क्यू का बार प्लस क्यू आर का बार और होल बार प्लस एस बार। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें देखना है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखते हैं यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, पी बार। ध्यान से देखो, नोट गेट लगा, यहां पे है क्यू, यहां पे भी क्या है क्यू, यहां पे आर है ही, यहां पे क्या है एस। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू डॉट आर का बार और यहां पे क्या आएगा, पी बार प्लस क्यू का बार। ओके, फिर यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट क्या आएगा वो देखें, यहां पे आउटपुट आएगा पी बार प्लस क्यू पे बार और लगा हुआ है तो प्लस क्यू डॉट आर का बार और नोर लगा हुआ है तो ये नोर, ये यहां पे आएगा। अब ये एस है तो यहां पे क्या आउटपुट आएगा, ये टर्म तो एज इट इज आएगी, पी बार प्लस क्यू पे बार प्लस क्यू आर पे बार और इस पे बार, फिर लगेगा प्लस, फिर यहां आएगा एस और फिर पूरे पे बार। ओके, और फिर यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, अब इस पे पूरे पे बार लग जाएगा ऐसे, ये तुम्हारे पास होगा वाई आउटपुट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे क्योंकि बार का बार इज ए, डबल कंप्लीमेंट इज ए। तो यहां से रिजल्ट क्या बचेगा, ये लाइंस को दोनों को हटा देता हूं, जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे सामने रह जाएगा। यहां से तुम इसको सीधा सीधा हटा दो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तुम चेक कर सकते हो, पी बार प्लस क्यू का बार, पी बार प्लस क्यू का बार प्लस क्यू आर का बार प्लस एस, ए ऑप्शन सही है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ऐसे बड़ा सा एक्सप्रेशन देख के डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, तो कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन है और ये कब पूछा हुआ है, फिजिक्स जेम 2010। ठीक है, और क्वेश्चन तुम्हारे पास है, यू कंसीडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, और ट्रू टेबल क्या है, ए बी सी तीन इनपुट है और एफ आउटपुट है, तो कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास वही होंगे 0001 0010 0011 1001 1010 1011 और एफ आउटपुट की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दे रखी है 1 फिर 000 फिर 111 फिर 0 और पूछा था लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर एफ फॉर एफ इज, तो ऑप्शन तुम्हारे पास है, पहला ऑप्शन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी ऑप्शन तुम्हारे पास है ए बार बी प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी, सी ऑप्शन है सी ए बार बी बार इन दोनों का बार प्लस ए बी बार
और डी ऑप्शन है सी बार ए प्लस बी बार प्लस ए बी बार। तो अब देखें, तो एक तरीका तो इसका क्या है, पहले इसकी मीन टर्म लिखोगे क्या ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी बार, एस ओ पी फॉर्म इसकी लिखनी आती है। और फिर बूलियन अलजेब्रा के जो बेसिक लॉज हैं उनको तुम अप्लाई करोगे और बेसिक अलजेब्रा के लॉज को अप्लाई करके एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लोगे। वो काम तुम खुद करोगे। यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रूथ टेबल से सोल्व करके बताता हूँ कैसे हम के मेप का यूज़ करके यहाँ पे इसको डायरेक्टली बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। तो थ्री वेरिएबल के मेप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तीन वेरिएबल है तुम्हारे पास ए बी और सी। यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे बी और सी ले लिया और ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होता ही है। अब वैल्यू देखें, जीरो 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 पे वन, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर वन 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 जीरो, ऐसा ही है वन वन और फिर वन वन जीरो, यहाँ पे वन और फिर वन 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 पे ज़ीरो, ऐसा। अब क्या करोगे, यहाँ पे केवल पेयर्स बनेंगे और कितने पेयर्स बनेंगे, तीन पेयर्स बन जाएंगे। इस पेयर के लिए सबसे पहले लिखे बी बार डॉट सी बार आएगा, इसके लिए ए चेंज हो रहा है छोड़ देंगे, प्लस इसके लिए अगर देखें तो ए की वैल्यू वन है तो ए प्लस ए डॉट बी बार, और प्लस इसके और इसके लिए देखें तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ये आएगा सी बार और डॉट ए, ए डॉट सी बार, राइट। इसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, तो एक्सप्रेशन लिख दिया। ऑप्शंस देखो कौन से मैच हो रहा है, कोई सा ए डॉट सी बार, ए डॉट सी बार, ए डॉट सी बार, तो यहाँ से सी बार यहाँ पे और यहाँ पे है, इसको कॉमन ले लें, सी बार बचेगा क्या ए प्लस बी बार और प्लस ए डॉट बी बार। देखो चेक करो इसको, ये ऑप्शन आई थिंक मैच हो रहा है, सी बार ए प्लस बी बार प्लस ए बी बार, राइट। तो इस तरीके से केमेप का यूज़ अगर करना तुम्हें आता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जेम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, आई थिंक ये जेम 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स डज नॉट सेटिस्फाई द बूलियन एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है एफ ए बी बार प्लस ए बार बी। बेसिकली ये क्या है, एक्सोर गेट है, तुम इसको ए एक्सोर बी भी लिख सकते हो। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए बी इसका मतलब नॉट गेट है, तुम्हें पता है।
बी ऑप्शन तुम्हारे पास है, सी ऑप्शन अपने पास है और डी ऑप्शन अपने पास है ये एफ आउटपुट है। ये चार ऑप्शन तुम्हारे पास है, चेक करो कौन सा एक्सोर गेट का आउटपुट देता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखें, ये आएगा ए बी बार, यहाँ पे बी का बार और यहाँ पे ए बार बी, और एफ आउटपुट ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी ये तो आउटपुट सही दे रहा है, तो ये सही मैच हो रहा है। हमें ऐसा सर्किट देखना है जो ये आउटपुट नहीं देता। यहाँ से देखें ए प्लस बी, ए और बी आ रहा है और गेट लगा हुआ ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा ए बी का बार, ओके, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार, ऐसा ही आएगा। इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, किसका यूज़ करेंगे, डे मॉर्गन थ्योरम का। तो इसको यहाँ से देखें ए ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बी बार की वैल्यू जीरो, ए ए बार जीरो, तो ये तुम्हारे पास बचेगा ए बी बार प्लस ए बार बी, सेम रिजल्ट दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, हमें गलत वाला ढूंढना है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी ए बी बार प्लस ए बार बी, ओके। अब चेक करें इसके लिए, तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी और यहाँ से आएगा ए बार प्लस बी बार और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार और इसका रिजल्ट आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, देखो ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए बार प्लस बी बार सेम, और इसको वापस सोल्व करोगे तो सेम आ जाएगा। तो ये भी तुम्हारे पास एक्सोर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सर्किट को देखते हैं, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे ए बी ए बार डॉट बी बार, और इसको यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे तो ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये एक्स नोर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स नोर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या आएगा, ये ऑप्शन होगा वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बूलियन एक्सप्रेशन पी प्लस पी बार क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इनपुट्स, टू ए सर्किट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग लॉजिक गेट,
तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है आईआईटी जेम फिजिक्स 2012। यस तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है एंड नेंड नोट और, एंड गेट होगा, नेंड गेट होगा, और गेट होगा या नोट गेट होगा। तो इन ऑप्शंस में से तुम्हें बताना है, और ये बहुत सिंपल सा है, पी प्लस पी बार क्यू, इसको हम कर चुके हैं, ये बूलियन एक्सप्रेशन है, अब्सॉर्प्शन लॉ हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ए प्लस ए बार बी का अब्सॉर्प्शन लॉ किसके बराबर था, ए प्लस बी का, तो ये पी प्लस क्यू के बराबर आएगा, मीन्स ये और गेट होगा। और इसको सोल्व करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था ए प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना ए। तो ये रूल अगर हम यहाँ पे लगाए, इस पी की जगह यहाँ पे ए की जगह पी लिख दें और बी की जगह क्यू लिख दें, तो क्या आएगा, पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू पी, इस पी की जगह पी प्लस पी क्यू लिख दिया, प्लस पी बार क्यू, और यहाँ से आ जाएगा पी प्लस क्यू कॉमन ले लिया, पी प्लस पी बार, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू और गेट इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2013 का क्वेश्चन, नेट में इसमें जेम में आया हुआ। तो थर्टीन में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फोर्टीन में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 7478, डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो 478, और यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40 7 0 7 8 78 4 7 8, रिमाइंडर 6 59, रिमाइंडर 6 7 टाइम्स, रिमाइंडर 3 0 टाइम्स, रिमाइंडर 7 7 3 6, ऑक्टल ऑप्शन है या नहीं। तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है 7 3 6 ऑक्टल, तो यही सही है, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो गया, आसानी से कर सकते हो, ये तो हमने किया हुआ है, इसमें दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद 2014 में आया हुआ क्वेश्चन एक और है, इसको तुम लोग खुद करना। क्वेश्चन है 1011, बाइनरी इनपुट हैव बीन अप्लाइड, एट x3 x2 x1 x0 इनपुट इन द शोन लॉजिक सर्किट, इनपुट इन द शोन लॉजिक सर्किट मेड ऑफ XOR गेट्स, द आउटपुट
y3 y2 y1 y0 इज, तो बेसिकली आउटपुट तुम्हें पहले y3 की वैल्यू लिखनी है, फिर y2 की, फिर y1 और फिर y0, इसी फॉर्म में आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास x3 x2 x1 x0 इसको कहा y2 y3 और y0, और ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 1101, बी ऑप्शन है 1010, सी ऑप्शन 1111 और डी ऑप्शन है 0101। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। अब देखो क्या होगा, तो x3 की वैल्यू कितनी 1, x2 की 0, x1 इज 1 एंड 1, ठीक है। तो x3 की वैल्यू कितनी है 1 0 1 एंड 1, ये इनपुट्स है तुम्हारे पास। अब देखो 1 ही यहाँ पे आ रहा है, y3 तो डायरेक्ट जैसा x3 है वैसा ही y3 है। अब 1 यहाँ पे है, 1 और 0 का एक्सोर क्या होता है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है एक्सोर गेट का, 2 इनपुट एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी, दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1, दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट 0। तो 1 और 1 सेम हो गए तो आउटपुट 0, 1 और 1 डिफरेंट हो गए तो 1 और 0 डिफरेंट हो गए तो आउटपुट 1। यानी y0 की वैल्यू कितनी 1, y3 कितना 0, y2 कितना 1, y1 कितना 1। तो 1 1 पहले तुम्हें y3 लिखना है, y3 पहले लिख, y2 बाद में लिखना है, y1 और y0, तो 1 1 0 1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स द बूलियन एक्सप्रेशन, ZEM 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट द बूलियन एक्सप्रेशन, कौन सा सर्किट है जो इस बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, पी प्लस क्यू आर का बार प्लस क्यू बार पी का बार, इस बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सर्किट कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है पी क्यू नेंड, बी ऑप्शन दे रखा है पी क्यू और आर के आगे नोट लगा के यहाँ पे लगा दिया एंड, सी ऑप्शन तुम्हारे पास है पी क्यू पे नोट और फिर यहाँ पे एंड, और डी ऑप्शन तुम्हारे पास है पी क्यू
एंड गेट, नॉट गेट और ये नेंड गेट। यहाँ पे तुम्हारे पास एस आएगा। अब तुम्हें यह बताना है कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है इनमें से कौन सा सर्किट इस बूलियन एक्सप्रेशन का आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम सोल्व कर दें, यहीं से मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैं दे मॉर्गन थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। लाइन को ब्रेक किया, साइन को चेंज कर दिया ऐसा। और यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो डबल बार है ये कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू आर डॉट, डबल बार हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू बार पी। और इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी पी क्यू बार प्लस क्यू क्यू बार आर पी। और तुम्हें पता है क्यू और डॉट क्यू बार कितना, अगर ये वन है तो ये जीरो होगा, और ये एंड ऑपरेशन में एक भी जीरो होते ही आउटपुट जीरो, तो ये पार्ट हो गया जीरो। पी डॉट पी पी तो ये आएगा पी क्यू बार, क्या आएगा पी क्यू बार, तो क्यू के आगे नॉट और फिर एंड, यानी यही एक्सप्रेशन सही है। सी ऑप्शन देखो, क्यू बार यहाँ आएगा और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डॉट क्यू बार। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो ये यहाँ पे आएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2016 का क्वेश्चन क्या है, 2016, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस ए डॉट बी का बार, ये दिया हुआ है। ठीक है, इज, और यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस है ए वन, बी दे रखा है ए बी का बार, सी दे रखा है ए बार बी बार, और डी ऑप्शन दे रखा है ए बार प्लस बी बार। तो आ जाओ यहीं से शुरू कर देते हैं। y इज इक्वल टू कितना, ए बार प्लस बी बार प्लस, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस ए बार इज ए बार प्लस बी बार इज बी बार। ये एक बार आएगा, इनमें से भी एक एक बार आएंगे, ए बार प्लस बी बार, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसको अगर तुम दे मॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो ए बी का बार ये भी सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर है तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए डॉट बी का बार और ए बार प्लस बी बार, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये 2017 में आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, इफ द बूलियन फंक्शन और फंक्शन तुम्हारे पास दे रखा है जेड इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस टी यू ऐसा, देन जेड बार इज
ऑप्शंस आर पी बार क्यू बार प्लस आर बार एस बार प्लस टी प्लस यू बार बी ऑप्शन तुम्हारे पास है पी बार क्यू बार सी ऑप्शन तुम्हारे पास है पी बार प्लस क्यू बार और डी ऑप्शन तुम्हारे पास है पी बार प्लस क्यू बार प्लस एस बार प्लस प्लस आर बार प्लस एस बार प्लस टी बार प्लस यू बार। तो क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है उतना ही आसान है। कैसे? जेड इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं पी क्यू कॉमन लूं, पी क्यू डॉट, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, यहां पे आएगा वन प्लस यहां पे क्या आएगा आर प्लस यहां पे क्या आएगा आर एस प्लस यहां पे क्या आएगा आर एस टी प्लस आर एस टी यू। अब देखो यहाँ एक वन आ गया और फिर और में ये भी जीरो हो जाए, 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 तो आउटपुट कितना आएगा इसका, वन ही आएगा इसका पूरे का। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया पी क्यू और जेड बार कितना आ जाएगा पी क्यू का बार। तो पी क्यू का बार ऑप्शन में नहीं है तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, पी बार प्लस क्यू बार ये जेड बार की वैल्यू होगी, सी ऑप्शन तुम्हारे पास सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2017। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेएम 2017 में ही आया हुआ है, दो क्वेश्चन आए थे जेएम के एग्जाम में 2017 में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। या तो क्वेश्चन है शोन इन द फिगर शोन इन द फिगर इज ए शोन इन द फिगर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स The output at the output value at P and Q are respectively। तो पहले P की वैल्यू लिखनी है फिर Q की वैल्यू लिखनी है। पहला ऑप्शन है P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0। बी ऑप्शन P1 Q1, सी ऑप्शन P0 Q1 और डी ऑप्शन P1 Q0। ऐसा तो क्या आंसर आएगा? तो बेसिकली ये जो सर्किट डायग्राम है ये सर्किट डायग्राम SR लेच का है जो कि सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनमें आउटपुट के पोर्शन को इनपुट में फीडबैक कर दिया जाए, तो ऐसे सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट है होते हैं। आईआईटी जेएम में ये क्वेश्चन बेसिकली फ्लिप फ्लॉप वाले पार्ट से हैं, तो जेएम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना आसान है क्योंकि इसमें बेसिक गेट का नॉलेज अगर तुम्हें है तो भी ये क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो, एसआर लेच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे की जो क्लासेस अपनी होंगी उसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, लेच भी पढ़ेंगे, एसआर लेच, एस बार आर बार लेच, तो इन लेच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से तो तुम अगर उसको देखोगे तो तुरंत आंसर बता दोगे, लेकिन जितनी नॉलेज अभी तक अपने पास है उसके बेस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें
उसको देखते हैं, ठीक है ना। आगे की बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमें। तो अपने पास जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नेंड गेट में अगर कोई सा भी इनपुट जीरो हो जाए तो नेंड गेट का आउटपुट क्या आता है, हमेशा वन आता है। अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन। नेंड गेट का आउटपुट जीरो केवल तभी आता है जब उसके सारे इनपुट वन हो। तो यहाँ पे इनपुट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे जीरो है तो भी आउटपुट यहाँ पे कितना आएगा, वन। और यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे जीरो होगा तो भी आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे वन। तो क्यू की वैल्यू वन है। अगर ये इनपुट जीरो है तो क्यू की वैल्यू वन होगी डेफिनेटली। और अगर क्यू वन है तो वन यहाँ पे जाएगा, वन डॉट वन वन होगा और फिर नॉट गेट से निकलेगा तो जीरो। तो पी की वैल्यू तुम्हारे पास होगी जीरो और क्यू की वैल्यू होगी वन। यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आएगा सी।